नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द 4-Hour Work Week, हफ्ते में 4 घंटे काम करें। हेलो दोस्तों, इस किताब में आपको हम बताएंगे कि 9 से 5 की जॉब से छुटकारा कैसे पाएं और अमीर कैसे बने। जैसे कि आपको पता होगा कि 9 से 5 जॉब करते हैं उनमें से 90% लोग अपने काम से खुश नहीं रहते और वे उस जॉब को ना तो छोड़ पाते हैं और ना ही उस जॉब से वो अमीर बन पाते हैं। तो आप इस बुक समरी सुन के सीखेंगे कि 9 से 5 की जॉब से छुटकारा कैसे पाएं और एक हफ्ते में 4 घंटे काम करके अमीर कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किताब किसके लिए है। नंबर 1, वो लोग जो अपनी 9 से 5 की जॉब से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। नंबर 2, जो लोग अमीरी के इस नए कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 1, 9 से 5 की जॉब से छुटकारा कैसे पाएं और अमीर कैसे बने। अक्सर लोग कई सपने देखते हैं, जैसे अपना खुद का घर हो, या फिर दुनिया में घूमने का सपना, या फिर अपने किसी खास सपने को पूरा करने का सपना। लेकिन 9 से 5 वाले एक चौरस कैबिन में उलझकर जिंदगी के सपने हमेशा सपने ही रह जाते हैं। इस किताब के जरिए लेखक ने हमसे वो तरीके शेयर किए हैं जिन्हें अपनाने से हम पैसे कमाने के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं, जो 9 से 5 वाले जॉब में कभी नहीं कर पाते। और आगे आप सीखेंगे कि कैसे आप किसी काम में महारत हासिल कर सकते हैं और क्यों हमारे द्वारा सोची गई चीज असल में इतनी भी बुरी नहीं होती, क्यों आपको हफ्ते में केवल एक ही बार मेल चेक करना चाहिए। चैप्टर नंबर 2, एक शानदार और संतोषजनक जीवन को आज और अभी जीना ही सही मायनों में अमीर होना है। हमारे समाज में शुरू से ही सिखाया जाता है कि अगर हम अपने जवानी के दिनों में कठिन परिश्रम कर अपने काम की तरफ ध्यान देंगे और बचत करते रहेंगे तो रिटायरमेंट के बाद हमें अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और हम एक सुखद बुढ़ापा जी सकेंगे। इस सोच के कारण हजारों लोग खुद को 9 से 5 की गुलामी में झोंक देते हैं और सारी उम्र उस काम को लगा देते हैं जिसे शायद वे पसंद भी नहीं करते, लेकिन खुद को फुसलाने के लिए कहते हैं काम है थोड़ा कठिन होगा, आज मेहनत कर लेंगे तो कल सुरक्षित होगा। लेकिन असल में होता है कि एक दिन अचानक हमारी नींद खुलती है तो हमें एहसास होता है कि हमने अपने जीवन के बेहतरीन साल गुलामी में गुजार दिए, जबकि सच्ची खुशियां इतना पैसा कमाकर भी नहीं मिलता। अफसोस तब तक देर हो जाती है, इसीलिए लेखक कहते हैं कि जो हम सपने देखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमारा करोड़पति होना जरूरी नहीं है, बल्कि जीवन की ज्यादातर चीजें एक आम सी आमदनी में भी आ सकती हैं और ये आमदनी आप बिना 9 से 5 की जॉब किए दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कमा सकते हैं। आइए आगे आपको इसके बारे में बताते हैं। चैप्टर नंबर 3, जिंदगी अपने उसूलों से जिए और अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखे। लेखक कहते हैं कि अगर आप आज के जमाने के नए अमीरों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखना होगा। किसी और के अनुसार काम करने के बजाय नए किस्म के अमीर अपने नियम कानून खुद तय करते हैं और जरूरत पड़े तो हर बंधनों को तोड़कर भी अपने सपनों को हासिल कर लेते हैं। आजकल ज्यादातर लोग जोखिम उठाने से डरते हैं और खुद को प्रैक्टिकल कहते हुए वास्तविकता में जीने का दावा करते हैं। इसी कारण से ऐसे लोग एक आम जिंदगी के साथ समझौता कर लेते हैं, जबकि लेखक के अनुसार असली सफलता उन्हें मिलती है जो किसी भी जोखिम की परवाह किए बिना अपने हर सपने को जीने का जुनून रखता है। चाहे आपके सपने लोगों की वास्तविकता से कितने भी दूर लगे, लेकिन अगर आप अपना लक्ष्य रखेंगे तो आप उन्हें जरूर पा सकते हैं। किसी भी नए और अलग काम को करने में ज्यादातर लोग जोखिम महसूस करते हैं और इसी जोखिम से डरते हुए लोग बस एक आम सी जिंदगी और 9 से 5 की नौकरी में सारा जीवन बिता देते हैं। इसीलिए लेखक मानते हैं कि हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि पर्वत के सतह पर बहुत लोग खड़े होते हैं लेकिन चोटी पर जाने का जोखिम बस कुछ लोग ही उठा पाते हैं। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचकर एक एहसास होता है कि यहां कंपटीशन कम है और एक अच्छी जिंदगी है। चैप्टर नंबर 4, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आज और अभी अपने सपनों को हासिल करने के लिए कदम उठाइए। ज्यादातर लोग अपने सपनों को पाने की बजाय उनसे सारी उम्र दूर भागते रहते हैं और खुद को दिलासा देते हैं कि खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। अपनी सोच को सही साबित करने के लिए सकारात्मकता के साथ जोड़ते हैं, जबकि असल में ये सकारात्मक सोच नहीं है, ये तो आपकी असल को छुपाने का एक तरीका है। इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता। मुझे लगता है आने वाला कल
अपने आप उनके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, लेकिन सच तो ये है कि आने वाला कल तभी सुनहरा हो सकता है जब आप उसके लिए कोई ठोस कदम उठाए। चाहे आपके सपने छोटे हों या बड़े, उन्हें पूरा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर खुद ही कदम उठाना होगा। अगर आप नए किस्म के अमीरों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डर से जीतना होगा, क्योंकि अक्सर जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं वही हमारी कमजोरी होती है। उस कमजोरी से ऊपर उठे बिना हम अपने सपनों को नई उड़ान दे नहीं सकते। इसीलिए सफल होने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आपको किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है लोग आपके बारे में बातें बनाएं और आपको ताने मारे, लोगों की छोटी सोच से ऊपर उठकर आपको आज और अभी अपने सपने की ओर पहला कदम उठाना होगा, क्योंकि लेखक कहते हैं कि आज नहीं तो कभी नहीं। अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सच का सामना करें, अपने डर को दूर कर अपने सपनों की राह पर चलिए। आपके काम किए बिना सब कुछ ठीक नहीं होगा, जब आप मेहनत करेंगे तभी चीजें ठीक होगी और एक दिन अच्छा होगा। चैप्टर नंबर 5, एक मामूली एम्प्लॉय होने के बावजूद भी आप नए अमीरों की श्रेणी में आ सकते हैं। लेखक के द्वारा बताए गए नए किस्म के अमीरों की जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है गतिशीलता, अर्थात दिन भर आप अपने ऑफिस डेस्क की गुलामी करने के बजाय अपने अंदाज में काम करना। लेकिन इस समाज का एक सच ये भी है, हर व्यक्ति के लिए अपनी जॉब छोड़कर घर में काम करना संभव नहीं है, इसीलिए सामाजिक कारणों से लोग अपना काम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। लेकिन ऐसे एम्प्लॉय को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेखक की किताब में ऐसे लोगों के लिए भी अपने सपनों को पाने का एक सुझाव है। लेखक कहते हैं कि ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को अपने काम के क्षेत्र में इतना एक्सपर्ट बना ले कि आपकी कंपनी आपको छोड़ना ना चाहे। इसके लिए आप ट्रेनिंग वर्कशॉप का सहारा ले सकते हैं। ऐसा होने पर आपकी कंपनी में खास स्थान प्राप्त कर लेंगे और आप आसानी से अपने बॉस से अपनी एक या दो बातें मनवा सकते हैं। जब आपको अपनी कंपनी में अपनी महत्व का एहसास हो जाए तो किसी दिन धीरे से अपने बॉस के दिमाग में घर से काम करने वाला आइडिया डाल दे। हो सकता है शुरू में आपको हफ्ते में एक दिन की ही स्वीकृति मिले, लेकिन इस दौरान आप खुद को ऑफिस आए बिना भी काम संभालने में सक्षम साबित कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे घर से ऑफिस संभालने के लिए दिन बढ़ाते जाएं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब आपको ऑफिस में जाकर हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर से ही अपना सारा काम कर लें। घर से काम करना आसान भी होगा, क्योंकि घर पर इंसान चैन से अपना काम कर सकता है। उसे आमतौर पर ऑफिस में होने वाली क्रियाकलाप और फिजूल की मीटिंग और अपने सहकर्मियों के साथ टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर नंबर 6, आपको हर काम सही करने की जरूरत नहीं है, बस सही काम ही करने की जरूरत है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ऑफिस में ज्यादा समय बिताते हैं उन्हें ज्यादा मेहनती और अच्छा काम करने वाला माना जाता है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में देखा जाए तो जो लोग हमेशा बिजी रहते हैं उन्हें समाज कठिन परिश्रम मानता है। कई एम्प्लॉय अपना ज्यादा समय ऑफिस में बिताकर अपने बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं ताकि उनका बॉस सोचे कि अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि किसी की काबिलियत जानने के लिए समय का पैमाना सही नहीं है। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर 80/20 सिद्धांत काम आ सकता है, जिसके अनुसार हमारे लाभ हैं, परिणामों का ज़्यादातर हिस्सा हमारे काम का 20% काम से बनता है और बाकी 80% काम इतना ज़रूरी नहीं होता। इसीलिए आजकल के नए अमीर इस सिद्धांत से अपने सारे काम करते हैं। लेखक का मानना है कि समझदारी इसमें नहीं है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम खत्म कर दे, बल्कि समझदारी इसमें है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कम से कम काम करके प्राप्त कर सके। गैर जरूरी काम हमेशा गैर जरूरी हैं, आप चाहे उनको कितनी भी अच्छे ढंग से क्यों ना खत्म कर दे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि कम से कम काम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ और अपना बचा हुआ समय अपने सपनों और परिवार को देखकर एक सुकून भरी जिंदगी का मजा लो। चैप्टर नंबर 7, आपका समय बहुत कीमती है, इसीलिए समय बर्बाद करने वाले लोगों और कामों से दूर रहें। आप अपने ऑफिस का एक आम सा दिन ले लीजिए। अपने 9 से 5 की आधे से ज्यादा समय हम ऐसे कामों में बिता देते हैं जिनकी शायद जरूरत भी नहीं होती। अब जैसे बेकार की मीटिंग को ले लीजिए, हमें बेकार की मीटिंग में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन मीटिंग के अलावा हम अपना काफी समय अपने कामों के लिए इंफॉर्मेशन जुटाने में भी लगा देते हैं। घंटों अखबारों में, इंटरनेट पर रिसर्च करने में लगाने की जगह हम सीधा उससे लेंगे जो सही जानकारी देगा और हमारा समय भी बचाएगा।
इसके अलावा आपको दिन भर में कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनका ना तो खुद कोई लक्ष्य होता है और ना आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने देते हैं। ऐसे लोग अक्सर जब आप सबसे ज़रूरी काम कर रहे हो तब आपका सारा समय अपनी फिजूल की बातों में बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे लोगों को दूर नमस्कार करने की आदत डाल लीजिए। लेखक ने ऐसे लोगों से बचने का एक उपाय बताया है। वो कहते हैं कि जब भी कोई आपके पास आए तो उसे कैसे हो पूछने की बजाय मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ, और अगर आपको लगे कि वो आपका समय बर्बाद करने वाला है तो सॉरी यार, लेकिन मेरे पास 2 मिनट है, मुझे काम है, जल्दी बोलो। तो ऐसे लोगों को कभी भी बढ़ावा ना दे, 1 घंटे का काम आपको सारा दिन भी करना पड़ सकता है। चैप्टर नंबर 8, आपका ध्यान बटाने वाली चीजों से दूरी बनाए रखें। प्रोडक्टिव होने का मतलब यह है कि कम से कम काम में ज्यादा से ज्यादा फायदे हासिल कर लें, और इसके लिए जरूरी है कि आप अपना महत्वपूर्ण काम पूरी लगन और ध्यान के साथ करें। इससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और आप अच्छी सी और कम समय में खत्म कर सकते हैं। आज के ज़माने में ध्यान विचलित करने वाली इतनी बातें हैं, एक काम पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल है। आप अपने ऑफिस को ही ले लीजिए, जैसे कि आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हो, आपका फ़ोन नहीं मेल नोटिफिकेशन की घंटी बजा देता है और आपका सारा ध्यान आपके काम से हटकर ईमेल को पढ़ने की ओर चला जाता है। और इसीलिए लेखक ने सलाह दी है कि कोशिश करें कि आप अपना ईमेल कम से कम चेक करें। जैसे ही आप ऑफिस जाएं, अपनी ड्यूटी लिस्ट में से हर काम के लिए खुद से पूछें कि अगर मैंने सारे दिन में बस यही काम किया, संतुष्ट रहूंगा या नहीं। आपने अपने सारे इंपॉर्टेंट कामों को खत्म कर लिया, उसके बाद आप अपना मेल चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप घर जाने से पहले मेल चेक कर सकते हैं, और ऐसे 2 बार केवल मेल चेक करने की आदत डालें। चैप्टर नंबर 9, अपने बिजनेस को ऐसा सेट करें कि वो निश्चित आय प्रदान करे और आप उसे दुनिया के किसी भी कोने से चला सके। अगर आप अपनी ज़िंदगी के हर एक लम्हे का लुत्फ उठाते हुए भी अमीर बनना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास एक आय का स्रोत हो, और ऐसा स्रोत बस एक बिजनेस से ही मिल सकता है। बिजनेस करना ही नहीं, बल्कि आपको एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी भागीदारी और जिम्मेदारी कम से कम हो। लेखक का कहना है कि ऐसा बिजनेस सेट करना इतना कठिन भी नहीं है जितना ज़्यादातर लोग समझते हैं। आधुनिक दौर में हर काम आउटसोर्स कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट के कॉन्सेप्ट से ये काम और भी सरल हो गया है। तो आपको बस ये करना है, अपने बिजनेस से जुड़े कामों को बनाकर हम उस क्षेत्र के एक्सपर्ट को दे दे। ऐसा करने से आपके ऊपर लोड भी कम रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।